नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस का क्वेश्चन सेट पेपर लेकर आया हूं। 30 क्वेश्चंस का ये टेस्ट वीडियो आने वाले एग्जाम में आपकी फुल स्कोरिंग कराने में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं लेकिन फिर भी आप एग्जाम में कन्फ्यूजन के कारण गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपके पास मौका है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेस्ट। टेस्ट में आप देखिए कि आप कितना स्कोर गेन कर रहे हैं और फिर हमें अपना स्कोर ज़रूर शेयर करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तम उत्प्रेरक संक्रमण तत्व जो होते हैं, सबसे उत्तम उत्प्रेरक होते हैं संक्रमण तत्व में फॉस्फोरस, ये जो मैग्नीशियम, ये सब जो तत्व आते हैं ये सब संक्रमण तत्व आते हैं। मतलब किसी भी क्रिया को जो है एक प्रकार से इफेक्ट करें वो संक्रमण तत्व कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर प्रभाव जो है घटता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए पानी में आपने नमक मिला दिया और फिर बर्फ़ जमा दी। अब आपने वो बर्फ़ को घटा, अब बर्फ आप गलने के लिए रखेंगे तो पहले वो अगर बर्फ़ साफ पानी से बनी होगी तो एक घंटे में गल जाएगी, लेकिन नमक मिलाने के बाद में क्या गलनांक जो है घट जाएगा, फिर वो बर्फ़ एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे घटेगी नहीं। यही कारण है कि गर्मियों में जो फुल आइसक्रीम बेचने वाले लोग रहते हैं वो बर्फ़ में नमक मिला के जमाते हैं, जिससे उनकी बर्फ़ ज़्यादा देर तक चलती रहती है और सुबह से लेकर शाम तक उनकी आइसक्रीम पिघलती नहीं है और उनका काम भी हो जाता है। ठीक है, तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक जो है घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है बताइए। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा, एट्रोपा बेलाडोना से, पत्तियों से बेलाडोना प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिक होगा? इन चार ऑप्शन में से अगर आप जलाते हो ईंधन तो किस में कम जला के ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी आपको, पूछा ये जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ईंधन मान जो है हाइड्रोजन का अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक कैसा होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो दाब बढ़ाने से किसी भी द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा वृक्ष है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है सिकुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, इस मिश्रण को क्या कहते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण मिलता है, यह मिश्रण जो है जल गैस कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जाएगा। बर्फ मान के चलिए पिघल के पानी बन गई, तो भाई गल के ही पानी बनी ना, तो ठोस से द्रव में अवस्था परिवर्तन क्या कहलाएगा, गलन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटर का पौधा किस कैटेगरी में आएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो मटर का पौधा जो है शाक की कैटेगरी में आएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल जो बनाया जाता है वो संपर्क विधि के थ्रू बनाया जाता है, इसमें उत्प्रेरक का काम जो होता है उसमें विष का काम कौन करता है, उत्प्रेरक के लिए विष का काम, मतलब उत्प्रेरक के काम को खराब कौन कर देता है, राइट आंसर क्या है बताइए। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर। चलिए देखते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के संपर्क विधि में आर्सेनिक सल्फाइड जो है उत्प्रेरक विष का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या कहलाती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन वाष्पन कहलाएगी, वाष्प बन रही तो वाष्पन कहलाएगी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तेल बीजों वाली फसल जो होती है वो किससे संबंधित होती है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो तेल बीज वाली फसलें जो होती हैं वो क्रूसीफेरी कुल से संबंधित होती हैं, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी का पूरा नाम क्या है बताइए, राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कैसे होते हैं, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है, मान के चलो आपने ए को मिलाया और बी को मिलाया, टोटल बना सी, तो आप अगर सी को पिघलाओगे तो ये जो है बहुत देर में पिघलेगा, लेकिन अगर आप ए और बी को अलग अलग पिघलाओगे तो सी से पहले ये दोनों पिघल जाएंगे। मतलब मिश्र धातुओं का गलनांक, इसका गलनांक उसके अवयवी धातुओं की तुलना में निम्न होता है, माफ़ करिएगा मिश्र धातु, यहाँ पर मिश्र धातु मतलब जो दोनों धातुओं से मिलकर नई धातु बनी है वो कम समय में गल जाएगी, अपेक्षाकृत अगर दो जो अलग अलग धातुओं को मिला के मिश्र धातु बनाई थी उनको अलग अलग गलाएंगे तो ये ज़्यादा समय लगी गलने में, लेकिन इन दोनों से मिलकर अगर कोई नई धातु बनेगी तो वो जल्दी गल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, सही हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि ए और बी से मिलकर अगर सी बना तो सी को गलाने पर जल्दी गल जाएगा और ए और बी उसी टाइम पर गल नहीं पाएंगे, मतलब ये गलने में ज़्यादा समय लेंगे और मिश्र धातु जो बनती है ये ज़्यादा जल्दी गल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थियासाइनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है। चलिए देखते हैं, तो एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक जो है कम हो जाएगा। अभी मैंने आपके लिए बताया था, शुद्ध जल में आपने नमक मिला दिया तो जाहिर सी बात है बर्फ को पिघलने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो यानी कि गलनांक जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम है एरिकस हाइपोजिया, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, जैविक उत्प्रेरक इनमें से कैसे होते हैं, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो जैविक उत्प्रेरक एक प्रकार से एंजाइम होते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में परिवर्तित होता है वो क्या कहलाता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्वथनांक कहलाता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, यहाँ पर बी ऑप्शन की जगह पर ए ऑप्शन दो बार हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका सबका सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा कुल कौन सा कुल होता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो सबसे बड़ा कुल जो है कंपोजिटी कुल होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपोजिटी कुल सबसे बड़ा कुल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं बताइए। चलिए देखते हैं, तो वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदलता है वो क्या कहलाता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदलता है तो उसे गलनांक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, दलहनी पौधे किससे संबंधित हैं बताइए। चलिए देखते हैं, तो दलहनी पौधे जो हैं लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित हैं, जिन पौधों की जड़ों में गांठ होती है उनमें लेग्यूमिनेसी गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना, आप उससे पहचान सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बायोगैस संयंत्र से निकलने में कौन सी गैस ईंधन के गैस के रूप में प्रयोग होती है बताइए। चलिए देखते हैं, तो बायोगैस संयंत्र से CH4 अर्थात मीथेन गैस निकलती है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ इसमें से कौन कौन से हैं बताइए, जो ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं बताइए। चलिए देखते हैं, तो जो पदार्थ ऊर्ध्वपातज हो सकते हैं, कपूर, नेप्थुलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी हैं। कपूर तो आप जानते ही हैं, नेप्थुलीन की गोलियां आपने देखी होगी बाथरूम वगैरह में, सफ़ेद कलर की गोली डाल के रखते हैं जिससे बदबू नहीं आती है, वो नेप्थुलीन की गोलियाँ होती हैं।
अमोनियम क्लोराइड भी, वो भी आपका ऊर्ध्वपाचन पातज है, थोड़ी देर हवा में रखने पर आसानी से उड़ जाता है। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है ट्रिडिकम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका किसको बदलना होती है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में संक्रियण ऊर्जा को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। वृद्धक का काम क्या करता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो वृद्धक जो है उत्प्रेरक की सतह को और अधिक आसान बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं बताइए। चलिए देखते हैं, तो अनाज वाले पौधे जो हैं ग्रैमिनी कुल से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ के बिना किसी द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने जो भी ग्रुप जिसमें भी आप जुड़े हों ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे टेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर रोज़ शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास होती है, आप रोज़ हमसे लाइव पढ़ सकते हैं साइंस। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें, या आप हमें कमेंट करें, या आप डायरेक्ट हमारे होम पेज पर विजिट करें। जो भी आपके लिए पॉसिबल हो वो करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। जो भी आपका स्कोर है ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का वेट रहता है कि हाँ भाई इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। स्टूडेंट से पूछेंगे क्या कैसा उनकी प्रतिक्रिया रही, कितने क्वेश्चंस बने, उससे क्या आपकी तैयारी का पता चलता है, मार्केट में अभी क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है उसके बारे में पता चलता है। तो थोड़ा सा जो वीडियो देखें आप तो उसके आंसर्स देने के साथ में कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।